बट ये तूने गलत किया, दिस इज रॉन्ग, तूने तुझे ये करना नहीं चाहिए था रितु। कि गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सो दिस इज योर शशांक, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एसएम ब्लॉग। सो टुडे इज 10th of January 2020 एंड टाइम इज 1:30 PM। सो आई थिंक रैपिडो आ गया हमारा भैया, रैपिडो आ गया भैया। ओके तो अभी एक काम करते हैं, अभी रैपिडो से चलते हैं। एंड मैं अजीब सा दिख रहा हूँ, जो भी है जैसा भी है, मैं तुम्हें पहुँच के बताता हूँ कि मैं जा कर रहा हूँ एंड क्या चल रहा है आज। लेट्स गो। चलो भैया। ओके सो अभी GNIT पहुंचने वाला हूँ। एंड यार बाइक में दिक्कत ही होती साला, एक तो बाल वैसे भी इतने बेकार होते हैं मेरे, कभी नहीं बनते, बाइक में बैठो और बिगड़ जाते हैं, अभी वही हालत हो रखी है। लेट्स सी। अरे भाई 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 भाई, कैसा है? ओहो, ये ऊपर क्या लगा है? माइक। ओके माइक। ओए वीडियो बना रहा है क्या भाई? कैसा है? बढ़िया बढ़िया। घर जा रहा है? हाँ भाई, बहुत खुश है। सही में भाई, एग्जाम खत्म हो गए। बहुत खुशी एग्जाम खत्म होने का। जीएल बजाज वालों को पता क्या किया गया है? क्या हुआ? प्रैक्टिकल अब होंगे। अभी लोग प्रैक्टिकल हो रहा है? हाँ। हम लोग कैसे निपटते हैं भाई? हम लोग सही है, अपना आराम से निपटते। हाँ भाई बढ़िया। तू नहीं जा रहा? नहीं जा रहा, जा रहा शाम को। चलेगा शाम को? कहाँ जा रहा तू? कहाँ जा? बनारस का है? नहीं नहीं, मैं गोरखपुर का हूँ। मैं बरेली। सही है, बरेली का जो। अबे ये नहीं जा रहा यार, ये देखो इसको समझाओ। ये जा तो रहा है। नहीं जा रहा है। ओके सो एक्चुअली मुझे जाना था मीटिंग में, 3 बजे मीटिंग है और अभी का टाइम हुआ है 1:34 पर। बट सीनियर की मुझे बुक्स भी डिपॉजिट करनी थी, तो अभी पहले कैमरे की बैटरी लगाऊंगा चार्जिंग पर, क्योंकि एक ही बैटरी लेकर के आया तो पूरे दिन तो चलेगी नहीं। जितनी चार्ज हो पाई उतनी करूंगा, बाकी का रास्ते में देखेंगे। ओके सो किताबों का तो बोझ हट गया, मतलब था 7-8 किलो का बोझ था, वो हट गया है। अभी मैं बताता हूँ ये अजीब सा तैयार होकर के मैं कहाँ जा रहा हूँ। आई नो मैं थोड़ा सा अजीब लग रहा हूँ, बालों का तो भाई सब समझ में नहीं आ रहा। बाइक एक तो चलाओ, एक तो ऐसे बाल, ऊपर से फिर बाइक पे आओ तो और भी गंदे बाल हैं, ठीक है? तो वो कंडीशन हमारी हो रखी है। और हॉस्टल में पहली बार है कि, हाँ लाइफ में पहली बार कि कॉलेज या फिर हॉस्टल में मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से। बाइक का एक बार लेकर के आया बट यूज़ नहीं किया था, क्यों फटती है ना सबके सामने कैमरा यूज़ करने में। भाई सही बात है यार, कैसे करोगे? सारे के सारे इधर उधर से देख रहे हैं, ये कर क्या रहा है? इट्स 1:43 PM एंड मुझे 3 बजे मुझे मयूर विहार पहुँचना है। मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुँचने वाला हूँ, बट कोशिश करेंगे हम पहुँचें। बाकी और सीन ये है कि इसका पता नहीं ये जा रहा है या नहीं जा रहा है, घर डाउट में है कि भाई जाएँ या ना जाएँ, या तो घर जा सकते हैं या फिर ट्रिप पे जा सकते हैं कहीं एक जगह, तो अभी वही डिसाइड कर रहा है। बाकी का हॉस्टल के बारे में कुछ बाद में बताएंगे, नहीं नहीं अभी बताएगा। कुछ बता दो चार टिप्पणी, GNIT का हॉस्टल कितना अच्छा है भाई? सबसे पहले तो मैं हॉस्टल के बारे में बताना, हॉस्टल एक ऐसी लाइफ है जो सबको जीनी चाहिए। नहीं जीनी तो चाहिए, ये तो फैक्ट है भाई। क्यों? मेरे बहुत सारे दोस्त हैं दिल्ली के, जो मतलब दिल्ली से बाहर कहाँ जाओ पढ़ने के लिए, ठीक है? तो वो कहते हैं यार मैं ये हूँ मैं वो। मैंने बेटा तुमने कभी अकेले रह कर नहीं देखा ना, अकेले रह के देखो तब पता। एक बात बताता हूँ, हॉस्टल का मतलब सबसे पहले आता है मेस का मतलब भाई, ठीक है? और मेस का खाना भाई तो फिर अच्छा, मेस से आता है अभी ये खाने खाने आ रहा था, मेरा वेट ही कर रहा था। लेकिन खाने से पहले ये आता है यार कैसा होगा खाना, अच्छा होगा या नहीं अच्छा होगा या खराब होगा यार, चल यहाँ का छोड़िए बाहर का खाते हैं चल भाई। कितना भी अच्छा मेस का जो शेफ होता है, कितना भी अच्छा खाना बना लेना कुक, लेकिन हमें नहीं कितना गंदा खाना बनाया साले ने, उसको उसको डेली गालियां पड़ती हैं, डेली इतनी गालियां जिंदगी में कोई नहीं खाता होगा। बाकी कभी चलते हैं, चलें क्या? यहाँ पर मतलब हर रूम में मतलब हैं दो दो तीन तीन बच्चे रहते हैं, एंड यहाँ पर अगर लाउडली बोला तो बाहर आकर के देखें भाई ये कौन है भाई, ये पागल हो गया है। मुझे एक चीज़ नहीं सुना, जिन लोगों के यार कर्ली हेयर होते हैं जैसे मेरे हैं, लड़कियाँ कहते हैं कि लड़के अच्छे हो हैंडसम देखो, साला हमें बाल संभालने में इतना टाइम लग जाता है, तो मतलब हमें क्या कमी है ऐसी, मतलब कर्ली हेयर लड़कियाँ भाई करवाती हैं यार कर्ली हेयर, हमारे ऑलरेडी ऐसा समझ भी नहीं आता, तब भी इन्हें पसंद नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। तुमने भाई सिंपल है तब भी नहीं होता, वही मैं कह रहा पता नहीं क्यों चल रहा है ऐसा कुछ, बट हाँ यही जिंदगी है, यही चलता रहता है। बाकी अभी ये हॉस्टल है, चलें क्या? आ जा बेटे, ये सामने हमारा कॉलेज है, ये हॉस्टल है,
लिफ्ट नहीं, लिफ्ट नहीं जाएंगे। ये सामने देखो मैस है, ये रही मैस। भैया कॉलेज के बारे में कुछ बताना चाहोगे? सर सर हम बोलना नहीं चाहते हैं। अच्छा नहीं नहीं बोल दो बोल दो, कोई बात नहीं। कॉलेज का कोई भी फैकल्टी नहीं देगी, टेंशन ना लो, कोई फैकल्टी नहीं देखने वाली, वीडियो हमारे पास ही रहेगी। बताओ तो सही, आप ही से तो देखो उम्मीद लेकर के आए हैं। कॉलेज बहुत बढ़िया है। कौन से वे में बढ़िया है ये बताओ? दिल की बात बोली, दिल की बात बोलो, देखो ये दिमाग वाली बात नहीं। पन पन सर। जो अभी आप जो बताना चाह रहे थे उसके बारे में बताओ थोड़ा सा। एक्चुअली हम भैया जो हैं, भैया अपने मतलब कैंटीन वाले भैया हैं, ये मस्त एकदम सबसे सही है। मतलब उधर भी कैंटीन है, इधर भी सारे हर जगह कैंटीन सबसे मस्त है, लेकिन आज कुछ दिल की बात बोल रहे थे, बताओ। चलो छोड़ो, अच्छा भैया खाना 5 स्टार की तरह मिलता है। ओहो इतनी तारीफ, ये कुछ हजम नहीं हुई। मेट्रो ओके ऑल राइट, सो जस्ट रीच बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन एंड अब भी चलते हैं फटाफट से। आई डोंट नो कि ये मेट्रो स्टेशन के अंदर कैमरा अलाउड होगा या नहीं होगा, सो दैट्स व्हाई कैमरा जाएगा अपने बैग में। ओके सो अभी मयूर विहार मेट्रो स्टेशन पहुंच गए एंड अभी कैमरा यार बैग में रखूंगा, क्योंकि सीन ये है ना कि मीटिंग करो तो मीटिंग में कैमरा ले जाना अच्छा नहीं लगता ना, फर्स्ट टाइम मिलने तो थोड़ा सा गड़बड़ मतलब अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है। अरे ईयरफोन पे अभिनव राठी है, थोड़ा सा बात कर रहा हूँ कुछ काम को लेकर के। ओके ऑल राइट, सो अभी मीटिंग खत्म हो गई यहाँ से एंड सारा काम हो गया है, तो अभी चलते हैं, पहले एम्स चलना है, किसी से मिलना है, कुछ मतलब हाँ कुछ काम है मिलना है एंड देन आफ्टर देखते हैं कुछ और करेंगे। ओके ऑल राइट, सो जस्ट रीच एम्स मेट्रो स्टेशन एंड अभी चलते हैं एम्स हॉस्पिटल में, क्योंकि यार ओके ऑल राइट, सो अभी एम्स हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं एंड एक्चुअली जिससे मैं मिल रहा हूँ उससे मैं फर्स्ट टाइम में मिल रहा हूँ लाइफ में, बट हाँ सी इज़ माई फ्रेंड फ्रॉम पास्ट आई थिंक 6 मंथ्स, सो बट मिल फर्स्ट टाइम रहा हूँ क्योंकि वो आई हुई है, उसके डैड को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, सो एम्स हॉस्पिटल में आए हुए हैं। सो आई थॉट क्यों ना यार चला जाए एंड आई नो मैं वो आई काफ़ी दिनों से है बट मैं गया नहीं हूँ, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, खुद की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं जा नहीं पाया, बट कोई मिलते हैं जब भी टाइम मिल रहा है, क्योंकि अभी उसके सामने फर्स्ट टाइम मिल रहा है, तो अभी उसके सामने यार कैमरा यूज़ करना अच्छा नहीं रहता, और वो भी हॉस्पिटल के अंदर कैमरा यूज़ करना नहीं यार, थोड़ा सा मतलब डेकोरम जो है मेंटेन करके रखना चाहिए हॉस्पिटल का भी। सो यार ओके सो जैसे ही आप एम्स मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से बाहर निकलोगे ना, तो सीधा अगर क्या नाम है एम्स हॉस्पिटल के गेट नंबर 1 के अंदर घुसोगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, पहले नहीं पता था क्योंकि इससे पहले मैं एम्स आया ही नहीं था। ओके सो अभी सीन ये है कि मैंने कैमरा मैंने बंद कर दिया था, बट अभी मैंने बंदी को भाई साहब मैं कॉल कर रहा हूँ, मतलब बंदी को मैंने बोला था कि मैं आ रहा हूँ 6 बजे तक मैं आ जाऊँगा एंड 5:56 हुए हैं अभी। सो इज़ लाइक यार मैं मार्केट आई हूँ यूसुफ सराय, आई डोंट नो ये कहाँ पे है, बट अभी देखते हैं तो उसी के पास जा रहे हैं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं कि मैं हाफ़ एन आवर तक मैं यहाँ पर वेट करूँ उसका, ये क्या नाम है मरीजों के साथ में खड़ा होगा, मैं खुद में बीमार हो जाऊँगा, कल को पता लगेगा मुझे खुद को एडमिट करना पड़ेगा। सो या अभी देखते हैं ये कौन सी मार्केट है, क्या सीन है, आई हैव नो आइडिया, बट ये तूने गलत किया, दिस इज़ रॉन्ग, तुझे ये करना नहीं चाहिए था रे, क्योंकि लाइक यार क्यों, देखो पता था कि 6 बजे मैं आने वाला हूँ, चल कोई नहीं जो भी है वैसे। ओके सो एम्स के बाद में एम्स से मैं यार एक्चुअली काफ़ी लेट में बाहर निकला, सो दैट्स व्हाई मैं लेट हो गया, अभी 10:30 हुए हैं, 10:31 एंड यस, सो जहाँ पर हमने ब्लॉग स्टार्ट किया था घर से वहीं पर हम वापस हम खत्म कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट एंड इफ यू एंजॉयड इट देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और हाँ मिलते हैं कल एक नए सरप्राइज के साथ में, कल किसी से तो मिल रहा हूँ मैं, हाँ है कोई मतलब जैसे आप लोग अच्छे से जानते हो, बट है भाई से आज बैठे रहे, अच्छी खासी मीटिंग हुई, लगभग आधे घंटे की मीटिंग चली थी उनके साथ में, बट ब्लॉग नहीं किया क्योंकि ऐसा होता ना कि फर्स्ट टाइम अगर मिल रहे हो तो लाइक थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है, वो भी वैसे वो भी एक ब्लॉगर ही है, बहुत अच्छा ब्लॉगर है भाई, क्या सिनेमेटिक
क्या सिनेमेटिक वीडियोस डालता है बंदा यार, क्या सिनेमेटिक व्लॉगिंग करता है, एक नंबर। सो कल लेकर के आऊँगा ब्लॉग में, डोंट वरी, कल वाले ब्लॉग में जरूर देखेंगे आप लोगों से। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट, देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब आगे टेक केयर। Find somebody who loves you, somebody who needs